अरे अखिलेश तेरी ईंटें गिरी जा रही हैं, ईंटें संभाल, जल्दी संभाल नहीं तो गिर जाएंगी। अरे कैसा कमजोरी से ईंटें ढो रहा है, कैसा हिम्मत हार रहा है। अरे बेरोजगारी फैली हुई है तो तेरे अकेले के लिए थोड़ी है, हम सबके लिए है। हम देख हिम्मत से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे देख और लालू जी को देख, हमारी तो उम्र हो चुकी काम करते करते, हम बुढ़ापे में भी इतना काम कर रहे हैं, तू जवानी में हिम्मत हार रहा है। अरे हिम्मत हारूंगा नहीं मोदी जी, हिम्मत हारूंगा नहीं, कब तक करूंगा ये काम। सुबह से ईंटें ढो रहे, पैर कांपने लगे ईंटें ढोते ढोते, हिम्मत हारूंगा नहीं, ईंटें गिरने वाली है मेरी, ईंटें आगे संभालो संभालो। अरे अखिलेश हम तेरी ईंटें संभाले या खुद की ईंटें संभाले, मेरा हाल देख रहा है, कितनी मुश्किल से ईंटें ढो पा रहा हूँ मैं, मुझसे ईंटें रोक नहीं पा रहा हूँ अपने सर पर, मेरा सिर बैठा जा रहा है। अरे योगी जी तुम भी जवान होकर ऐसी बात करते हो, बेरोजगारी में जो भी कर लो वो कम है, कैसी बात करते हो, हमारे बुढ़ापे की तरफ गौर करो, देखो हम बुढ़ापे में कैसी ईंटें ढो रहे हैं और तुम कैसी हिम्मत हार रहे हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम अगर हिम्मत हारोगे तो तुम्हें देख के अखिलेश तो और हिम्मत हारेगा, क्यों मोदी जी। अरे मैं इन दोनों को कब से संभाल लाऊं, अगर मैं नहीं संभालता ये कब का काम छोड़कर चले गए होते और ये भूखे रहते, कुछ भी नहीं कमाते, ये अपने तरह कहाँ है, जैसे अपनों ने जिंदगी गुजारती ये वैसी नहीं गुजार पाएंगे। अरे मोदी जी ऐसी तोल कौन तोलता है, तुम तो बिल्कुल सोने की तोल तोल रहे हो। अरे सोने की तोल, सोना भी कोई इतना बिल्कुल नोक पर नहीं तोलता है। अभी एक मछली और आ जाएगी तुम्हारे कांटे पर, रखो रखो एक मछली, देखो मोदी जी। योगी जी मैं तुम्हारी इसी आदत से परेशान हूँ, तुम 250 ग्राम मछली लेते हो लेकिन 250 ग्राम में एक एक चढ़वा के पूरी आधा किलो कर लेते हो, तुम मुझसे मछली मत लिया करो, मैं शाम मना कर रहा हूँ। लो योगी जी एक मछली और डाल देता हूँ तुम्हारी मैं कांटे में, लो अपनी थाली में लो। लाओ अखिलेश तुम्हें कौन सी मछली तुलवाना है, अरे बड़ा मोटी मछली पकड़ी तुमने हाथ में। अरे मोदी जी ये मछली बड़ा मुश्किल से हाथ में आई है, बहुत मोटी मछली और तगड़ी मछली है ये, मुझे लगता है 1 किलो की बैठेगी। लो इसी को तोल दो जल्दी, इससे पहले कोई और आ जाए लेने के लिए इसे तोल दो। अखिलेश तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुमने सबसे बड़ी मछली झपट ली, अरे कल मैंने जाल डाला था, जाल में सबसे बड़ी मछली यही थी, यही फंसी, नहीं तो आजकल छोटी छोटी मछली आ रही है जाल में, ये देखो टोकरी में सब छोटी छोटी है, जो तुम्हारे हाथ में है यही सबसे बड़ी मछली है। हाँ सही कह रहे हो तुम, ये लगभग 1 किलो की बैठेगी, लाओ तराजू पे रखो इसे जल्दी रखो। अरे योगी जी अब तुम्हारी मछली हो तो गई, अब तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ या एक और मछली के लालच में हो। हाँ मोदी जी सही कह रहे हो, वो यार छोटी सी जो मछली पड़ी है तुम्हारी टोकरी में वो और रख दो, वो बिकेगी नहीं, बहुत छोटी सी मछली है, रख दो इसी में। लो योगी जी तुम मानोगे नहीं, लो ये मछली, जाओ अब तो जान छोड़ो मेरी। योगी जी मुझे तुम्हारी दावत बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, ऐसी तो दावत किसी ने आज तक नहीं की है मेरी। अरे तुम हम ही से खाना बनवा रहे हो, हम ही को खिलाओगे, अरे हम ही से पराठे बनवा रहे हो तुम, मैं गाना गा रहा हूँ और अखिलेश तुम्हारा साथ दे रहा है पराठे बनाने में, और जो पराठे बन के आ रहे हैं ताजे ताजे हम ही खिला रहे हो, लेकिन किसी बनाने वाले को ले आते, हम ही से बनवा रहे हो, हम ही को खिला रहे हो, ऐसी दावत तो हमने आज तक नहीं खाई, और ऊपर से तुमने ये मेरे हाथ में गिटार जैसा जाने क्या दे दिया है, कह रहे हो कि जब तक मैं ये नहीं सुन लेता हूँ मुझसे पराठे नहीं बनते। अरे मैं बजाते बजाते मेरे हाथ थके जा रहे हैं, तुम पराठे आधे जला रहे हो आधे बना रहे हो, कैसे पराठे बना रहे हो। और मोदी जी एक बात भूल गए, इन्होंने दावत करने से पहले ये कहा था कि जो भी गोभी के पराठे बनाऊंगा मैं देसी घी में बनाऊंगा। अरे अभी ये वनस्पति घी में पराठे बना रहे हैं, वनस्पति घी के पराठे मैं तो खाता नहीं हूँ भाई, इन्होंने बहुत गलत दावत की, इनकी दावत मंजूर ही नहीं करना चाहिए थी अपना दोनों को। अरे एक दावत तुमने मेरी भी तो खाई थी, मैंने तुम्हें कैसी दावत खिलाई थी योगी जी और मोदी जी। योगी जी ये तुम दावत सही नहीं खिला रहे हो हमें। अरे मोदी जी अखिलेश तुम्हें कम से कम इतना समझना चाहिए, मैं अकेला हूँ, मैं खुद ही खाना बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ, एक तो मेरे हाथ जले जा रहे हैं ये गोभी के पराठे बनाते बनाते, उसमें भी खुरापाते निकाल रहे हो तुम कि ऐसा पराठा कि वैसा पराठा। अरे जो भी तुम्हें रूखा सूखा मिल रहा है खा लो। अरे कम से कम तुम सबने दावत खिला दी थी हमें, तो मेरा भी फर्ज बनना था कि मैं तुम्हें दावत खिलाऊं। अरे जैसी भी दावत मिल रही है उसे खा लो। अरे मोदी जी कौन से गांव में बसेंगे अपना जाके, अब कहां पर होगा अपना अगला ठिकाना, ये गांव तो छोड़ दिया अपनों ने, अगला ठिकाना तो बताओ। और ये बताओ अरे जब अपना गांव छोड़ के चले थे तो ये तय हुआ था कि 1 किलोमीटर मैं और आप मोदी जी चलेंगे इन्हें लेकर, अखिलेश को और योगी जी को पालकी में बैठा के, और 1 किलोमीटर और अखिलेश और योगी जी चलेंगे, लेकिन समझो 2 किलोमीटर हो गए चलते चलते, ये अपनों को क्यों नहीं उठा के चल रहे, अब अपना रुक जाओ इनसे उठवाओ अपनों को, अपना पालकी में बैठते हैं।
अरे अखिलेश इतनी बात मोटी सी समझ लो, अब तो हम उतरने वाले नहीं, अब तो हम वहीं जाके उतरेंगे जहां हमारा ठिकाना है। हमें बड़ा मजा आ रहा है पालकी में बैठे हुए। अरे योगी जी मजा तो मुझे भी आ रहा है, पालकी में बहुत ही मजा आ रहा है। अरे मोदी जी हमें यार ठिकाने पे ही उतार दो, हम बीच में नहीं उतरेंगे। अरे बातें मत बनाओ अखिलेश, बातें मत बनाओ, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला हूँ, समझे। राहुल सही कह रहा है, जब अपना चले थे तो ये तय हुआ था कि 1 किलोमीटर हम तुम्हें उठा के चलेंगे पालकी पे और 1 किलोमीटर तुम हमें उठा के चलोगे पालकी पे, समझे। अरे मोदी जी तुम्हारा हारमोनियम का सुर सही नहीं है, तुम्हारी उंगली सही से नहीं गिर पा रही है हारमोनियम पर, पता नहीं कैसे बजा रहे हो, बिल्कुल नहीं बजा पा रहे हो तुम सही तरीके से। कहां से तुम्हारे साथ आ गया मैं यहां पर फंक्शन में। अरे मैं सही नहीं बजा पा रहा हूं योगी जी, मैं नहीं बजा पा रहा हूं। अरे तुम्हारे ढोल पर हाथ सही से ही नहीं गिर रहे, तुम बिल्कुल ढोल नहीं बजा पा रहे हो, सुर और ताल मिल ही नहीं पा रहे, लोग बैठे बैठे वहां पर उल्टी सीधी सुना रहे। अरे फंक्शन में बुलाया है अपनों को यहां पर, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, ना तुम्हारा ढोल पर सही से हाथ गिर रहा है, मेरी उंगली हारमोनियम पर सही से गिर पा रही है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मोदी जी सुर पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, यही बस यही सुर लगा के रखो, यही सुर बस, हो गया काम, अब पब्लिक खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी बिल्कुल। अरे मोदी जी पब्लिक तो खुश हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारे पीछे बाल हैं इन्हें थोड़ा हल्का करा लो, बहुत लंबे लंबे बाल कर लिए हैं तुमने, बहुत लंबे बाल हो गए तुम्हारे, तभी सुर नहीं पकड़ में आता है, सारा जोर तुम्हारे बालों में चला गया पीछे, और पीछे पीछे बाल रखते हो तुम, आगे रखते नहीं हो। अरे मोदी जी सुर तो पकड़ में आ गया और बजा भी अच्छा रहे हैं अपना, लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत कंजूस है, एक पैसा भी नहीं दे रही है, बिल्कुल पैसा नहीं दे रही है, पता नहीं कैसी पब्लिक है, लगता है गलत जगह बजाने आ गए अपना।